अनुपमा और डिम्पी को जिस बात का डर था वही हो गया है। वेल, बेचारी डिम्पी अच्छी तरह से विलेन वनराज को जानती है, लेकिन न जाने क्यों डिम्पी वनराज की बातों में आ गई और डिम्पी ने वनराज को गले लगाकर थैंक यू पापा कह दिया, जबकि वनराज तो अपना खेल खेलता हुआ आपको नजर ही आने वाला है। टीवी सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखने वाले हैं ढेर सारा हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर अब जहां एक तरफ डिम्पी और तपिश की शादी हो रही होगी, वहीं दूसरी तरफ वनराज शादी से ठीक पहले अंश के कस्टडी पेपर्स तैयार करवा लेगा। जी हाँ, वनराज अंश के कस्टडी पेपर्स तैयार करवा के डिम्पी से साइन भी करवा लेने वाला है। वेल, वनराज डिम्पी को तो आजाद कर देगा, लेकिन डिम्पी को आजाद करने के साथ ही अंश की कस्टडी अपने नाम पर भी ले लेगा। बेचारी डिम्पी शादी की खुशी में, अपनी जिंदगी में आने वाली ढेर सारी खुशियों की खुशी में इतना ज्यादा मग्न हो जाएगी कि समझ ही नहीं पाएगी कि वनराज शाह कितना बड़ा विलन है। बेचारी डिम्पी वनराज की मीठी मीठी बातों में आ जाएगी और वनराज की मीठी मीठी बातों में आकर ये डिम्पी उन कस्टडी पेपर्स को बिना देखे उन पर साइन भी कर देगी। आप देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड में शादी के मंडप पर यहाँ बताएगा वनराज डिम्पी को कि उसने आखिर किया क्या है। शादी के मंडप पर वनराज डिम्पी को बताएगा कि उसने कस्टडी अंश की अपने नाम पर करवा ली है, यानी अब डिम्पी का अंश पर कोई हक नहीं है। डिम्पी और तपेश जाना चाहे जहाँ जा सकते हैं, लेकिन चाहकर भी अब अंश को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। वनराज के धोखे से बेचारी डिम्पी का दिल पूरी तरह टूट जाएगा, लेकिन अब कहानी में होता क्या है देखना होगा।